दोस्तों, आखिर क्यों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गजकत के पेड़ को काटने का हुक्म दिया था, जबकि बुखारी के हदीस में तो एक जगह अल्लाह के रसूल ने जंग के दौरान मुसलमान सिपाहियों से फरमाया था कि रास्ते में किसी भी पेड़ या खेत खलियान को ना काटा जाए और ना नुकसान पहुंचाया जाए। तो फिर आखिर क्यों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गजकत के पेड़ को काटने का हुक्म दिया? तो इसके पीछे की वजह है कयामत की निशानी। मुस्लिम शरीफ में हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत तब तक कायम ना होगी कि जब तक मुसलमान और यहूदियों के बीच जंग ना हो जाए। यहाँ तक कि यहूदी अपनी जान बचाने के लिए पत्थर और पेड़ के पीछे छुपेंगे, लेकिन पेड़ कहेगा, ए मुसलमान, ये यहूदी मेरे पीछे छुपा है, आओ और इसे कत्ल कर दो। लेकिन सिर्फ गदगद का पेड़ वो पेड़ होगा जो यहूदियों को पनाह देगा। दोस्तों, यहूदियों को अपने मजहब से ज्यादा कुरान और अल्लाह के रसूल की बातों पर भरोसा है। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया के यहूदी इस गदगद के पेड़ को लगा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2010 तक इसराइल में कुल 24 करोड़ गदगद के पेड़ लगाए जा चुके हैं।